फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है दी अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। यह राष्ट्रधर्म है, संभवतः वही राष्ट्रधर्म जो एक बार गुजरात दंगों के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को निभाने के लिए कहा था। सुबह उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के पिता का स्वर्गवास हो गया, लेकिन प्रदेश की 23 करोड़ जनता को कोरोना से लड़ते हुए यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता। शायद यही बात ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिता के निधन के बाद भी अपने घर जाना मुनासिब नहीं समझा और बता दिया कि लॉकडाउन के बाद ही घर आना होगा। योगी आदित्यनाथ ने हाल फिलहाल प्रदेश हित में जो भी निर्णय लिए हैं उनकी हर कोई तारीफ कर रहा है। कोरोना के खिलाफ प्रदेश के मुखिया द्वारा लड़ी जा रही लड़ाई साफ नजर आ रही है। वह ऐसा कोई कदम उठाने से नहीं चूक रहे हैं जिसमें प्रदेश की जनता का हित न हो। किडनी व लीवर की समस्या के चलते उनके पिता आनंद सिंह विष्ट को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। आज सुबह करीब 11:15 उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन के तुरंत बाद ही यह कयास शुरू हो गए थे कि योगी आदित्यनाथ अपने घर जाएंगे अथवा नहीं, लेकिन स्वयं मुख्यमंत्री योगी ने आगे आकर बता दिया कि वह फिलहाल घर नहीं जा पाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अंतिम क्षणों में उनके दर्शन की हार्दिक इच्छा थी, परंतु वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ देश की लड़ाई को प्रदेश की 23 करोड़ जनता के हित में आगे बढ़ाने का कर्तव्य बोध के कारण मैं नहीं जा सका। 21 अप्रैल को अंतिम संस्कार में लॉकडाउन की सफलता वह महामारी कोरोना को परास्त करने की रणनीति के कारण भाग नहीं ले पा रहा हूं। इस दुखद घड़ी में भी योगी आदित्यनाथ यह बताना नहीं भूले कि अंतिम संस्कार में लॉकडाउन का पालन करते हुए कम से कम लोग भाग लें। उन्होंने लिखा है कि लॉकडाउन के बाद दर्शनार्थ आऊँगा। बता दें कि जिस वक्त निधन की सूचना आई योगी आदित्यनाथ कोरोना संकट के लिए बनी टीम 11 की मीटिंग कर रहे थे। सूचना के बावजूद मीटिंग को रोका नहीं गया और मुख्यमंत्री ने उठाए जा रहे सभी कदमों की समीक्षा की। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।